हम लोग उबेर गांव में मुसहरी में छापामारी के लिए गए थे। वहाँ पर चार महिला शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। वहाँ के ग्रामीणों ने उग्र होकर के उनको छुड़ाने के लिए पत्थरबाजी शुरू कर दी। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ प्रीति झा। खबर जहानाबाद से सामने आई है, जहां पर आज सुबह उत्पाद विभाग की टीम जो है वो शराब कारोबारियों को पकड़ने के लिए वहां गई, छापेमारी करने के लिए गई। इतना ही में जो शराब कारोबारी थे वो उनके ऊपर हमला कर दिए। जी हां, दरअसल ईंट पत्थरों से वहां पर पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला किया गया और इतना ही नहीं, उसमें चार पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो गए और उन्हीं के साथ जो पुलिस वाहन थी, उनकी जो गाड़ी थी, वो भी पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। आप तस्वीरों में भी साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस गाड़ी जो है यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गई है। ये मामला जो है वो घोसी थाना क्षेत्र के उबेर मुसहरी टोला की बताई जा रही है। घटना के संबंध में उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि उबेर मुसहरी टोला में शराब बनाई जा रही है और सूचना के आधार पर ही लोग जो है, उत्पाद विभाग की टीम जो है वो वहां पर पहुंची और शराब के अड्डे पर छापेमारी करने गई, जहां पर शराब के साथ चार महिला तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बता दें कि ग्रामीणों ने अचानक से पुलिस टीम पर ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया और किसी तरह पुलिस कर्मी जो है वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। और साफ तौर से इस पूरे मामले में जो पुलिसकर्मी है जो कि घायल है, उन्होंने बताया कि कैसे उनके चार पुलिसकर्मी जो है, जो उनके साथी है, वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पुलिसकर्मी, सुनिए। हम लोग उबेर गांव मुसहरी में छापामारी के लिए गए थे। वहाँ पर चार महिला शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। वहाँ के ग्रामीणों ने उग्र होकर के उनको छुड़ाने के लिए पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसमें हमारे तीन चार जख्मी हो गए और निरीक्षक निशा कुमारी, एएसआई विनोद कुमार चौहान, एएसआई संजय चौधरी, तीन गाड़ी इसमें जिसमें शीशा कर दिया क्षतिग्रस्त। तो आपने सुना कि इन्होंने किस तरीके से पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। तो इन्हें गुप्त सूचना के आधार पर वो वहाँ पर छापेमारी करने गए, जिनके जहाँ पर शराब के साथ जो महिलाएं हैं, शराब तस्करी जो कर रही थी, वो भी उनको भी हिरासत में लिया गया। लेकिन ग्रामीण जो है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो गए और इस तरीके से उनके ऊपर हमला कर दिया गया। तो बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।